अब तुम मेरे पिया की ध्यान समावेन। रानी सुरक्षा देते हैं, हमें परम धाम की जो तारतम वाणी देती दी है, यह वाणी इस सत्य की पहचान कराती है कि अक्षर अतीत की हमारे ऊपर कितनी दया है। सुंदर साथ प्रेम के आवेश में कह देते हैं कि मेरा जी की दया नहीं चाहिए, कृपा नहीं चाहिए, हमें तो केवल इसकी चाहिए। हमें शब्दों की गहराई में जाना होगा। यदि कोई गाय कीचड़ में फंसी हुई है, दलदल में फंसी हुई है, तो उसको निकालना हमारा धर्म होता है। जो व्यक्ति निकालता है उसको क्या कहते हैं, कितना दयालु है। देखो, कीचड़ में गाय फंसी हुई है और उसको निकाल दे रहे हैं। ऐसी एक रघुवंशम के अंदर कथा आती है कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी कि ऐसे ही दलदल में फंस जाती है कीचड़ में, और शेर उसको पकड़ लेता है। शेर मनुष्य की भाषा में बोलता है कि राजा तुम दयालु हो, यदि तुम इस गाय को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना प्राण देना पड़ेगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रघु राजा समझ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था, कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा कर रहे होते हैं। रघु कहते हैं कि ठीक है, वो जान गए कि मैं इसको किसी अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता, मेरी तलवार मेरे धनुष बाण इस पर व्यर्थ जाएंगे। राजा ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया कि लो मुझे खा लो, लेकिन इस नंदिनी गाय को छोड़ दो। राजा ने क्या किया, दया का उदाहरण दिया। एक और घटना आती है राजा शिव की, जहां दानियों की बात आती है, दधीचि के साथ कर्ण के साथ शिव का नाम लिया जाता है। छोटे मोटे दानी नहीं, आप सुंदर साथ, तो जैसे मैं गुजरात के सुंदर साथ को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी तपनी तपती दोपहरी में वाणी चर्चा के लिए शांति से बैठे हैं। उत्तर भारत में तो एसी भी लगा दीजिए तो भी लोग कहेंगे कि हम इतनी गर्मी में नहीं जाएंगे चर्चा सुनने। आपके पास 10-5 लाख रुपए हैं, 25 लाख रुपए हैं, आप 10,000-5,000 दे देते हैं तो क्या सोचते हैं, हमने राज्य की सेवा में इतना दान दिया। सच बात क्या है, आपका क्या है, आपका तो कुछ भी नहीं है। आपने राज्य की कृपा से धन कमाया, ये धरती किसकी है, परमात्मा की, शरीर किसका है, परमात्मा का, तो फिर धन आपका कहां से हो गया। इसलिए वेद में एक मंत्र में कहा गया, तेन तक तेन भुंज था, परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसका त्याग पूर्वक भोग करो। आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य तो यही समझता है कि मेरा ही सब कुछ है, शरीर को अपना समझता है, धन को अपना समझता है, संगे संबंधियों को अपना समझता है, लेकिन लीला ऐसी इस संसार की है कि उसके साथ कुछ नहीं जाता, उसका शरीर जला दिया जाता है, उसकी धन संपदा गृह पर उसके संगे संबंधी कब्जा कर लेते हैं, और उसके देह त्याग के पश्चात साल में एक बार उसका कोई स्मृति में कार्यक्रम कर लेते हैं। बस संसार की यही कहानी है, लेकिन संसार मेरा के बंधन, मैं और मेरे के बंधन से अलग नहीं हो पाता। मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न दे। एक पल का भी भरोसा नहीं होता है कि पानी के बुलबुले की तरह हमारा शरीर और संसार नश्वर है। अपना हृदय परमात्मा को कोई दे नहीं पाता, धन संपदा में से थोड़ा सा दे देगा। थोड़ा से कहने का ऐसे, जिसे मैं आपको बता दूं, यहाँ सुंदर साथ बैठे हैं जो सर्विस करते हैं, उनका वार्षिक आय तो उनकी बहुत होगी, मासिक आय भी देखा जाए तो किसी की 50,000 है, किसी की 1,00,000 है। 50,000 में से केवल 1,000 सुंदर साथ 1,000 रुपया निकाले, जहां तक मैं समझता हूं, आप किसी ढाबे में बैठते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो घर के 4 सदस्य हैं तो आसानी से 1,000 तो खर्च हो ही जाएगा। आप महीने में राज्य के नाम पर 1,000 देने में पूरे समाज को बहुत परेशानी होती है। जो 1,00,000 कमाता है 1,000 नहीं दे सकता। यदि 1,000 सुंदर साथ 1,000 देंगे तो प्रतिदिन कितना होगा, एक महीने में कितनी आमदनी होगी, आप समझ लें कि 10,00,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे एक महीने में।
40 लाख सुंदर साथ हैं, यदि सबके अंदर निष्ठा हो, 40 लाख में कम से कम 10 लाख परिवार होंगे औसत दौड़ा जाए तो। आप सोचिए एक वर्ष में कितने करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, कितने विश्वविद्यालय बन सकते हैं 10 वर्षों के अंदर, हमारा समाज कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। लेकिन कोई भी धनवान सुंदर साथ 1000 रुपये राज्य के नाम पर भी देने को तैयार नहीं होगा। मुसलमान क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उनमें जो रिक्शा चलाता है वह भी मदरसे को सेवा देगा, हिंदू नहीं देगा, चाहे किसी भी पंथ में हो। हिंदू को जहां लालच मिलता है, देखो वैष्णो माता जाने पर धन ज्यादा हो जाएगा, या तिरुपति मंदिर में सेवा करोगे तो धन बढ़ जाएगा, वहां तो सोने का रथ भी दे देगा, साई बाबा इच्छा पूरी करेंगे तो वहां भी दे देगा, लेकिन हृदय में भावना नहीं है। मैं शिव की बात कह रहा हूं, राजा शिव की। इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और एक कबूतर, किसी देवता को कबूतर का रूप धारण करवा दिया। भागते भागते कबूतर शिव की शरण में पहुंचा। इंद्र ने कहा कि राजा शिव, मुझे तो इसको मारना है। शिव कहते कि नहीं, मेरी शरण में आया, तुम इसको नहीं मार सकते। तो शिव कहता है, तो बाज कहता है, इंद्र फिर बाज का धारण करने वाले इंद्र ने कहा, देखो शिव, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो मुझे भूख लगी है, इसके वजन के बराबर तुम्हें अपने शरीर का मांस काट कर देना पड़ेगा, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए, सोने चांदी तुम्हारे नहीं चाहिए। मैं दुनिया के जीवों की कहानी बता रहा हूं कि दया कहते किसको है। राजा शिव ने कहा कि जो मेरी शरण में आया है मैं तो उसकी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे अपने शरीर का मांस काट कर देना क्यों ना पड़े। वो किसी पशु का मांस नहीं मांग रहा था, वो बाज ने कहा कि मैं तुम्हारा ही मांस खाऊंगा यदि इस कबूतर को बचाना है तो। ऐसा नहीं कि कसाई खाने से मंगवा कर तुम किसी जानवर का, किसी पक्षी का मांस दे दोगे तो मैं उसे तृप्त हो जाऊंगा, या तो इस कबूतर को खाऊंगा या तुम्हारे शरीर का मांस खाऊंगा। आप तो परमधाम की परमात्मा है, आप वहां होते तो क्या करते, आप तो ठुकरा कर भगा देते कि जाओ तुम इसको मारकर खा जाओ, मुझे क्या लेना देना है, मैं शरीर का मांस काट कर कैसे दूंगा। तराजू बहुत बड़ा मंगवाया जाता है, एक पल्लड़े पर बाज बैठता है, एक पल्ले पर शिव बैठते हैं तलवार लेकर, अपने शरीर का मांस काट काट कर उस पर रखते जाते हैं। लेकिन पहले पैर काटा, हाथ काटा, फिर भी बाज का जो वजन है वो नीचे ही रहता है, ज्यादा ही रहता है। बाज को ये पलड़े पर बाज नहीं रखा गया था, कबूतर रखा गया था, क्योंकि कबूतर के वजन के बराबर मांस खाना था। जब राजा शिव ने सारा कुछ काट कर गर्दन काटनी चाहिए तो बाज वेशधारी इंद्र प्रकट हो जाते हैं कि शिव, इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई दयालु नहीं है, कोई दानी नहीं। आप सोचते हैं 400 वर्ष हो गए, हमारे सुंदर साथ में शिव के बराबर को क्या कोई दयालु या दानी पैदा हुआ है? न हुआ है, न कभी होगा। लेकिन हमारे प्रीतम तो अक्षरातीत हैं, उनके बारे में एक चौपाई आती है, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज पर शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिरदार। अक्षरातीत को क्या कहते हैं? दया सिंध सुख सागर, दया का सागर कहा गया है। अब आप कहेंगे कि मैं तो ब्रह्मसृष्टि हूं, मुझे राज्य की दया नहीं चाहिए, जो उसमें तो कुछ भी कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया रघुवंशम का उदाहरण देकर बताया कि राजा रघु गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों को कह देते हैं कि सिंह तुम मुझे खा जा, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। तो राज्य क्या कर रहे हैं? राज्य ने भी अपनी गरिमा की रक्षा के लिए राज्य तो सब कुछ करेंगे, जहां दुख होवे तुमको ता आड़ी देव मैं अपना अंग, वाणी क्यों दी गई है हमें? यह पहचान देने के लिए। यदि हम सुंदर साथ किसी से वार्ता करें और कोई भी कह दे कि आपकी आप तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को मानते हैं, लेकिन आप लोग तो दुखी रहते हैं, आपके पूर्ण ब्रह्म तो आपके ऊपर कोई भी दया नहीं करते, तो उसके लिए चौपाई है कि ये अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंट, करोड़ों शिव आ जाएं, करोड़ों रघु राजा रघु आ जाएं,
राज्य की दया के सामने क्या है? ये तो संसार के राजा महाराजा हैं, ये राजाओं का इतिहास मैं कह रहा हूँ, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में त्रेता में ऐसे महान राजा हुआ करते थे जो अपने प्रजा के कष्टों की निवृत्ति के लिए अपने प्राणों की भी बलि देने में संकोच नहीं करते थे। एक गाय को बचाना है, एक कबूतर को बचाना है, उसके लिए ये दोनों राजा अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो उनकी परीक्षा थी। एक राजा की परीक्षा क्या होती है कि अपने प्रजा की रक्षा के लिए वो क्या क्या कष्ट उठा सकता है। और जो ईश्वरों का ईश्वर है, न जाने कितने ब्रह्मांडों का वो स्वामी है। एक छोटा सा हमारा 14 लोकों का ब्रह्मांड है, जानते हैं? हमारी आकाश गंगा में कितने 100 अरब सूर्य हैं, हमारे नक्षत्र हैं। और आकाश गंगाएं कितनी हैं? 1 अरब तो आकाश गंगाएं हैं, अब तक जितना वैज्ञानिकों को मालूम हुआ है। और इस हमारी छोटी सी आकाश गंगा में हमारा सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां इस आकाश गंगा में अब तक जात की जा चुकी है। इसमें दो राजाओं की कहानी मैंने बताई कि एक गाय के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होता है और एक कबूतर के की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है। तो राज्य क्या करते हैं? दया का अर्थ क्या है? परम धाम की आत्माएं जब माया के कष्टों में दुखी हो रही होंगी। राज्य ने क्या कहा है? प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्मनोर, मन कल्पे खिल देखते सोए दुख करूं सब दूर। आप कौन है? प्राणों के प्रीतम। राज्य कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने प्राणों का प्रीतम मानते हो, प्राणनाथ कहते हो, तो मैं भी तुमको अपने प्राणों का प्रीतम कहता हूँ। यह शब्द, यह चौपाई यदि हर सुंदर साधक को याद आ जाए कि प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सो ये दुख करूं सब दूर। आपके मन खेल को देखकर दुखी हो रहे हैं। हम खेल में नहीं है, लेकिन खेल को देखकर भी दुखी हो रहे हैं। कैसे? सुख दुख का भोग कौन करता है? हमारा जीव करता है। आत्मा दृष्टा होकर केवल जानती है कि दुख क्या होता है। जैसे किसी के घर कोई अतिथि आता है और उस घर के सदस्य को बिच्छू ने डंक मार लिया, तो वह अतिथि शिष्टाचार के नाते, संसारिक संबंध के नाते दुखी होता है कि जिसके घर में ठहरा हूं वो बिच्छू के दर्द से पीड़ा पा रहे हैं। बस इतना ही अनुभव होता है। पीड़ा किसकी हो रही है? जिसके घर आया है। जो अतिथि आया उसको पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन एक सहानुभूति होती है कि पीड़ा क्या होती है। उसी तरह से आत्मा जीव के बैठकर जीवों की दुनिया में आई है, वो जीव को सुख और दुख के द्वंद में फंसा हुआ देख रही है। सुख क्या है? थोड़ा सा सुख है। दुख कितना है? बहुत बड़ा दुख है। लेकिन इसी सुख की तृष्णा मनुष्य को इस दुख में संसार से आगे नहीं जाने देती। जैसे महाभारत में एक अलंकारिक वर्णन है कि एक कुआं है, कुआं में एक विशाल वृक्ष है, वृक्ष की जड़ में एक भयानक अजगर है, सर्प, विषैला सर्प है। दो चूहे हैं दिन और रात्रि, दो चूहे हैं जो वृक्ष की जड़ को काटते जा रहे हैं, निरंतर काट रहे हैं। एक का रंग सफेद है, एक का रंग काला है। मनुष्य देखता है कि ये दोनों चूहे तो काट रहे हैं जड़ को, लगातार काटते काटते एक दिन जड़ को काट देंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगा तो नीचे सर्प काट देगा। सोचता है कि मैं इस वृक्ष से छलांग लगा लूं तो कुएं के बाहर चला जाऊंगा, मेरे जीवन की रक्षा भी हो जाएगी। जैसे ही छलांग लगाने के लिए तैयार होता है तो ऊपर से शहद की एक बूंद टपक जाती है, वो जीवा पर पड़ जाती है। सोचता है कि कितना मीठा शहद है, मैं चाटता तो रहूं। छलांग लगाने में कितनी देर लगती है? मैं छलांग लगाकर इससे पार भी हो जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं इस मीठे शहद का आनंद ले लूं। बस यही कहानी है संसार की। लेकिन अब निकलूंगा कैसे करते, सारी उम्र उसकी समाप्त हो जाती है। दिन और रात्रि रूपी दोनों चूहे उसके वृक्ष की जड़ को धीरे धीरे काट डालते हैं, नीचे गिर जाता है और मृत्यु उसको अपना शिकार बना लेती है। कहने का रस क्या है? ये शहद का जो रस है वो क्या है? संसारिक सुख, जो बूंद बूंद करके टपकता है। ऐसा नहीं कि एक गिलास मिल जाए और सीधे तृप्ति हो जाए। संसार में सुख थोड़ा है, दुख ज्यादा है।
अब देखिए, माता के घर में जब बालक पल रहा होता है तो भी दुख है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सारी खिड़कियां बंद कर दी जाए, घुटन भरी हो, तो आपको क्या एक घंटे भी रह पाएंगे? एक घंटे का 5 मिनट में ही व्याकुल हो जाएंगे। माता के घर में हर प्राणी 9 महीने तक रहता है। पैदा होता है तो उसको भूख प्यास का कष्ट है, रोग का कष्ट है। देखिए, संसार में कोई जन्मते ही अंधा है, कोई लूला है, लंगड़ा है। मृत्यु पल पल नाचती रहती है, लेकिन क्या किसी को संसार छोड़ने की इच्छा होती है? सबको क्या लगता है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे संगी संबंधी, ये संसार का मोह उसको संसार छोड़ने नहीं देता। अब देखिए, जब मनुष्य वैराग्य की तरफ चलता है, वैराग्य किसको कहते हैं, जिसे राग से रहित हो जाना, राग से रहित हो जाना ही वैराग्य। और राग से वास्तव में मानसिक रूप से अलग हो जाना, राग उपात ध्यानम, राग से परे हो जाना ध्यान है। ध्यान किसका है, परमात्मा का। वस्त्र धारण करने से कोई विरक्त नहीं हो सकता। हृदय में ज्ञान आ जाए, ज्ञान से जो वैराग्य होता है वो वास्तविक वैराग्य होता है। जो पर वैराग्य है वो समाधि से प्राप्त होता है। रितंबरा प्रज्ञा के बाद जब मनुष्य संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो उसको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। पर वैराग्य का तात्पर्य जिसमें संसार की कोई तृष्णा न रह जाए, संसार के सारे सुख उसको आकर्षित न कर सके, केवल उसको परमात्मा का प्रेम आकर्षित करे। लेकिन आप देखते हैं, अक्षरातीत आपसे कितना प्रेम करते हैं आपको कुछ भी पता नहीं। आप किससे बंधे हैं, परिवार से बंधे हैं। हर कोई प्राणी किसी न किसी रिश्ते से बंधा होता है। माता की स्नेहमयी ममता याद आती है हर प्राणी को। पिता का एक जो वरदहस्त होता है, सिर पर जैसे कहते हैं ना छत्र होना, वह याद आता है। पत्नी की मीठी बोली याद आती है, उसकी सेवा याद आती है। बच्चों को किलोरी याद आती है, बच्चे किस तरह से जब पिता अंदर घर में प्रवेश करता है बच्चे लिपट जाते हैं। ये परिवार का एक मधुर संबंध होता है। इन संबंधों को छोड़कर कोई बिरला होता है जो परमात्मा के प्रेम में डूबना चाहता है। कोई रसखान बने, कोई चैतन्य महाप्रभु बने, कोई शंकराचार्य बने, कोई दयानंद, ऐसा नहीं होता। 100 करोड़ की जनता है, 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में रहते हुए, कोई शंकराचार्य, दयानंद, गौतम बुद्ध कहाँ है? वैसे तो गिनाने के लिए, संख्या गिनाने के लिए 72 लाख महात्मा हैं, लेकिन क्या वो सचमुच में विरक्त हैं? नहीं। संसारिक सुखों की तृष्णा उनको भी खोजे, उनको परेशान करती रहती है। तो मेरे कहने का आशय क्या है, वो अक्षरातीत क्या है, दया का सागर है। आपको माया में किसी भी तरह से वह रहने नहीं देगा। देखिए, जिसको चितवनी के प्रेम की सुगंध मिल गई, चितवनी का सच्चा रस जिसने पा लिया, ऐसा नहीं कि जो आंख बंद करते हैं एक घंटा बैठे रहते हैं वो सचमुच में चितवनी करते हैं, वो चितवनी के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं कहता हूं जिसको राज्य के प्रेम के रस की एक बूंद का करुणवा अंश भी मिल गया, चितवनी का प्रेम मिल गया, वो सारे ब्रह्मांड के राज को लात मार देगा। लेकिन उसे कहिए कि तुम चितवनी छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि अक्षरातीत के एक पल भर का दीदार करोड़ों बैकुंठ के राज्य पर भारी पड़ता है, कई कोट राज्य बैकुंठ के न आवेद खिन के समान। लेकिन जब तक वह नहीं मिला, हमें क्या लगता है, झूठे संसार में ही तो सब कुछ लगता है। इस संसार में बुढ़ापे का कष्ट है। देखिए, जब कोई व्यक्ति युवा होता है, किशोरावस्था में होता है, कितना सुंदर दिखता है। 60 साल के बाद शरीर के चेहरे पर झुर्री आनी शुरू होती है, बालों में सफेदी, शरीर कमजोर। जो चेहरा इतना सुंदर था 75 तक होते होते बहुत बदसूरत होता है। 90 साल के में वह व्यक्ति हंसी का पात्र बन जाता है कि कैसा चेहरा है। मेरे कहने का से क्या है, संसार में जो कुछ है वह नश्वर है। संसार के रिश्ते नाते नश्वर हैं। संसार में जो सुख दिख रहा है वो कभी दुख में परिवर्तित हो जाएगा। आप अच्छा कपड़ा सिलाते हैं बहुत महंगा, कुछ दिनों के बाद वो पुराना हो जाता है, उसको फेंक देते हैं। आप अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, वो भी मलमूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य इन संघर्षों से गुजरता है, सुख और दुख के झूलने में झूलता रहता है।
सुख थोड़ा मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है, फिर भी उस सुख की तृष्णा उसको संसार में रखने के लिए व्याकुल कर देती है। कोई दुखमय संसार को छोड़कर अखंड सुख की तरफ नहीं चलना चाहता। लेकिन राज जी आए हैं आप पर कृपा करने के लिए। पुराण संहिता में क्या लिखा है? अगाध अज्ञान जलदौ पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा अम्बोदो ममच्च पुरुषोत्तमाय। अज्ञानता के अगाध सागर में जब परमधाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म कृपा के सागर में उनको स्नान करेंगे। दया कृपा। अब आप कहेंगे कि तीन चीजें हैं, जैसे मेहर, मेहर हर सुंदर साथ के मुख पर मेहर शब्द निकलता है। कुछ सुंदर साथ इतने कट्टरवादी होते हैं, उनको कह दिया जाए कि नहीं राज्य की कृपा, तो क्या कह देते हैं कि हमें कृपा नहीं चाहिए, हमें तो मेहर चाहिए। कृपा और मेहर में देखिए क्या अंतर है। जैसे सूर्य और सन में क्या अंतर है? सूर्य उगता है, सन, सन इज राइजिंग। सूर्य अंग्रेजी में उसको सन कह देते हैं, हिंदी में सूर्य कह देते हैं, ये तो भाषा भेद है। कृपा का अर्थ होता है संस्कृत में, जानते हैं, कुछ भी करना से उसको क्री धातु होती है। हमारे बीच में आचार्य बैठे हैं ना, व्याकरणाचार्य, विजय जी से पूछिएगा। परमात्मा के पास क्या है? अनंत प्रेम है, अनंत ज्ञान है, अनंत एकत्व है। अनंत एकत्व का तात्पर्य जो सच्चिदानंद परमात्मा है अपने और आपके बीच में भेदभाव नहीं मानता, क्योंकि वो स्वलीला अद्वैत है। जैसे माया के संसार में आप सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर भी परमधाम की आत्मा, मेरे अंदर भी परमधाम की आत्मा। मैं कहूँ कि आप मेरे बिस्तर पर बैठिए, आपको झिझक होगी कि नहीं मैं नहीं बैठ सकता, लेकिन वह अक्षर अतीत है। वह अक्षर अतीत आपसे और अपने बीच में कोई पर्दा नहीं रहने देता। वो कहता है कि तुम मुझे प्राणनाथ कहते हो तो मैं भी तुम्हें अपना प्राणनाथ कहता हूँ। क्या संसार में कोई है जो ऐसा कह सके? आपके बिना आपका तन छूटता है, परिवार के लोग दो चार दिन, महीने दिन रो रगा करके फिर आपको भुलाने लगते हैं, क्योंकि संसार में हर कोई अपने लिए जीता है। याद रखिए, संसार का हर रिश्ता अपने लिए जी रहा है। आत्मन तुवाई कमाई सर्वम प्रियम भवत। पत्नी आपसे प्रेम रखती है, अपने लिए जीती है। पति प्रेम रखता है, अपने लिए जीता है। पुत्र अपने लिए जी रहा है, और माता पिता भी अपने लिए जी रहे होते हैं। जहाँ इसके बीच में व्यवधान पड़ता है, संसार के सारे रिश्ते टूटने लगते हैं, दरार पड़ जाती है, क्योंकि ये जगत मोहमयी है। परमधाम क्या है? प्रेम का सागर है। जो प्रेम का सागर है वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा दृष्टांत दिया, जब श्री मिहराज का तन दीप बंदर से चला होगा, दीप बंदर में 1722 में पधारते हैं, 24 में रहते हैं, वहां से चलने के पश्चात श्री जी कभी नौतनपुरी नहीं गए, और वह तन मस्कत बंदर जाता है, अवासी बंदर जाता है, वहां से लौट कर आता है, पुनः सूरत में जागने कार्य करता है, 500 की संख्या लेकर के मेड़ता होते हुए दिल्ली पहुंचता है, हरिद्वार में सभी आचार्यों को नतमस्तक करता है, पुनः औरंगजेब को जगाने का प्रयास वतन करता है, और तब उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए पन्ना जी पहुंचते 5000 की संख्या हो जाती है। और जानते हैं इतनी चिलचिलाती धूप में वो पुनः भ्रमण करता है। आप सोचेंगे कि दीप बंदर का इलाका कैसा होता है? चलिए तो वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती दीप बंदर में, लेकिन ये मंदसौर का इलाका, औरंगाबाद, रामनगर में धूप, शीत, वर्षा के सारे कष्ट झेलता है। आजकल की तरह गाड़ियाँ नहीं होती थी, वातानुकूलित, वहाँ ट्रेनें नहीं चले करती थी, उसमें पैदल चलना होता था। आपने अभी तक में पढ़ा होगा किस तरह श्री जी पैदल चल रहे हैं, उनके साथ भीम भाई भी चल रहे हैं, लालदास भी चल रहे हैं, मुकुंददास जी भी चल रहे हैं, चिंतामणि चल रहे हैं, और ये छोटे मोटे सुंदर साथ नहीं है। कोई उद्योगपति रहा है अपने समय का, कोई हजार शिष्यों का गुरु रहा है, कोई वेदांत का सूरत का सबसे बड़ा विद्वान रहा होता है, घर घर भिक्षा तुरतलवास, जो भिक्षा में मिल गया रूखा सूखा वही खाना है, कोई पैसे नहीं मांगता किसी के घर जाकर, घर में जो भोजन बचा है किसी ने सूखी रोटी दे दी, किसी ने चावल दे दी,
कोई नानुकुर करने वाला नहीं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगे चाहे न लगे, राज्य की राह में सब चल पड़े हैं। लालदास जी भीख के मिले हुए टुकड़ों पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, मुकुंददास जी भी गुजार रहे हैं, चिंतामणि भी गुजार रहे हैं, किसके लिए? राज्य को पाने के लिए, क्योंकि इनके हृदय में राज्य के लिए प्रेम है, राज्य के लिए समर्पण है, तो राज्य प्रेम क्यों नहीं करेंगे? जिस तन में मीराज के, जिस तन में राज्य बैठे हैं, वह तन धूप शीत वर्षा गर्मी सब कुछ झेलता है। उस समय क्या होता था, प्रातःकाल 4 बजे सब यात्रा पर निकल पड़ते थे, बच्चे भी होते थे, वृद्ध भी होते थे। जब घर द्वार छोड़कर राज्य की शरण में आ गए तो श्री जी कैसे छोड़ सकते थे? प्रातःकाल 4 बजे से सब चल देते हैं, 10 बजे तक चलते हैं, जितना 6 घंटे में चला गया वहीं किसी बाग में डेरा डाला, वृक्षों के नीचे, लू चल रही है, शीतल हवा के झोंके चल रहे हैं, बरसात हो रही है, टेंट तो हर जगह कोई लेकर चल नहीं सकता था, बस्ती से जो मांगा जाता है वही भोजन करते हैं, शाम को पुनः चल पड़ते हैं, ऐसी लंबी लंबी यात्राएं होती थी। आज हम सुंदर साथ वायान में यात्रा करते हैं, वातानुकूल ट्रेनों में यात्रा करते हैं, सुंदर साथ के घरों में एसी लगे हैं, सब कुछ है। किसको जगाने के लिए श्री जी पहुंच रहे हैं? परमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए। कहां चिंतामणि ठट्टे नगर में बैठे हैं, कहां मस्कत बंदर में मावजी भाई बैठे हैं, कहां आवासी बंदर में भैरव सेठ बैठे हैं, क्या जरूरत है 50 सेंटीग्रेड के तापक्रम में श्री मिहराज को वहां चलकर जाने की? छत्रसाल की आत्मा, शकुंडल की आत्मा पन्ना जी में है, और स्वयं अक्षरातीत परमधाम की उन आत्माओं को जगाने के लिए चलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये उनके हृदय में दया का सागर करुणा ले रहा है, हिलोरे कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड, एक गुण मुझे क्यों बिसरे, एक गुण मुझे क्यों बिसरे, मौसू हुए सब अखंड। अक्षरातीत ने क्या किया? एक मिहराज के तन में इंद्रावती की आत्मा विराजमान है, मिहराज की आत्मा को शोभा दी, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लियो, मिहराज के तन से कसौटी कसाई, मिहराज के तन को पूरी दुनिया में एक तरह से तिरस्कृत करवा दिया। आप देखिए, जब श्री देवचंद जी के तन से लीला हो रही होती है उस समय मिहराज की अवस्था क्या है? बालभाई और बिहारी जी ने दोनों ने मिलकर के कैसा आरोप लगा दिया था कि मिहराज ने गांगजी भाई की संपत्ति जो खेता भाई के पास पड़ी थी सब हड़प लिया, सारी बातें झूठी निकली थी। सुंदर साथ के मन में भी दुविधा हो गई थी कि सदगुरु महाराज ने तो 2 वर्ष तक प्रणाम स्वीकार नहीं किया, सचमुच मिहराज दोषी है। सच्चाई पर से जब से पर्दा उठता है, जब से राज्य उनके धाम हृदय में लीला करने लगते हैं, मिहराज का तन जहां जहां जाता है, कोई पहचानता है तो उन पर नतमस्तक होता है, नहीं पहचानता है तो ये दुनिया कैसे कट कट शब्दों में संबोधित करती है। कोई कहता है कि ठग है, कोई कहता है कि अनंत लोचन, बीतक में ये शब्द आप पढ़े होंगे। जिन परमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए श्री जी के चरण कमल पड़ते हैं इस देश में जगह जगह, वे आत्माएं ऐसे कुलों में लिपटी हैं, ऐसे संप्रदायों में लिपटी हुई हैं जिनसे निकल पाना उनके लिए संभव नहीं था यदि अक्षरातीत के चरण कमल नहीं पड़े होते तो। ये परमधाम की वाणी क्यों आई है? जैसे बांसुरी की आवाज ने, भले ही वो बांसुरी योग माया के ब्रह्मांड में बज रही थी, लेकिन बांसुरी की आवाज परमधाम की आत्माओं के हृदय में पड़ी और उन्होंने वही शरीर छोड़ दिया। उस बांसुरी की आवाज से भी करोड़ों गुना मीठी ये तरतम वाणी की बांसुरी है। जो योग माया की बांसुरी बजी वो तो केवल प्रेम से सखियों को बुला रही थी। काल माया के ब्रह्मांड में श्री मायावती जी के धाम हृदय से जो तारतम वाणी की बांसुरी बज रही है, ये नख से सिक तक युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करके आपको पुकार रही है कि देखो युगल स्वरूप का मुखारविंद कैसा है, युगल स्वरूप के हस्त कमल की शोभा कैसी है, उनके चरण कमल की शोभा कैसी है, उनकी शोभा को अपने हृदय में बसा लो। अब तुम्हारे लिए समय नहीं रह गया कि इस झूठे संसार में भटका करो। आज संसार देखे, हिंदू समाज कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहीं शालिग्राम की पूजा, कहीं शिवलिंग की पूजा, अभी नवरात्र का समय गुजरा है, हिंदू समाज में 9 दिन तो उपवास करते हैं, फल वगैरह खाते हैं, 10वें दिन कोई
काली माता को कोई बकरे चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई लोग मांस खा लेते हैं, सारी तृष्णा पूरी कर लेते हैं। पूछा जाए क्या सच्चिदानंद परमात्मा इन कार्यों को करने से मिलता है? दिल्ली में भैरव का एक मंदिर है, जानते हैं वहां क्या होता है? शराब चढ़ाई जाती है, प्रसाद भी शराब की मिलती है, सिगरेट भी आजकल चढ़ाई जाने लगी। गढ़ी माई माता का जो मंदिर है नेपाल में, उसमें 1-2 लाख नहीं, न जाने कितने लाख भैंसों को काट दिया जाता है। संसार तो जानता भी नहीं कि अक्षरातीत किसको कहते। हिंदू समाज परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। अभी गीता में जो कहा है उसका उल्टा करेगा। गीता में श्री कृष्ण क्या कहती, यो माँ अभी अव्यभिचारेण योगे भक्ति योगेन सेवते, यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करता है। आप सोचिए अव्यभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें एक सच्चिदानंद परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति ना हो। जब हिंदू समाज ये जानता ही नहीं है कि एक परमात्मा कौन है तो भक्ति किसकी करेगा। आप जगह जगह देखेंगे ब्रह्मा विष्णु शिव के मंदिर बने होते हैं, हिंदू समाज तो उन्हीं को परमात्मा माने बैठे हैं। टीवी पर डिबेट होती है, सुन करके हंसी भी आती है, उसमें बड़े बड़े आचार्य बैठते हैं, वे लोग भी ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। ब्रह्मा विष्णु शिव किससे प्रकट हुए हैं? आदि नारायण से। और जिन्होंने त्रिपाद विभूत महानारायण उपनिषद पढ़ा है वो जानता है कि आदि नारायण के रोम रोम में न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु शिव अपने ब्रह्मांड सहित भ्रमण करते हैं। आप सोचिए एक आदि नारायण से कितने ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट होते हैं। आदि नारायण क्या है? अक्षर के मन अव्याकृत का स्वप्निक स्वरूप। और उपनिषद क्या कहते हैं? अक्षरात परता पर, अक्षर से परे उस सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान करना, संसार को करना एक दुष्कर कार्य है, विशेषकर हिंदू समाज को। मुस्लिम समाज एक परमात्मा की बात करता है लेकिन वो मांस में, क्रूरता में, हिंसा में डूबा पड़ा है। क्रिश्चियन समाज भौतिकता के सुख की आंधी में बाहर उड़ा जा रहा है। एक हिंदू समाज ही था जो सात्विक आहार करता था, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रवेश होता था, लेकिन पौराणिकता ने हिंदू समाज को एक सच्चिदानंद परब्रह्म से अलग कर दिया। आज आप हिंदू समाज को ही बताइए कि भाई गीता में वर्णित है कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही परब्रह्म है, उस सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करो। आप देखिए पहले तो संसार में कष्ट होता है, रोग कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, गरीबी का कष्ट है, सारे कष्ट है। इन कष्टों से कोई बच जाए, मान लीजिए कि कोई अरबपति घर में पैदा हो जाए, उसका शरीर भी सुंदर हो, स्वस्थ हो, फिर भी वो परमात्मा को नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं दुख तो उसका पीछा कर रहा है। ऐसे कष्टों के सागर से अक्षरातीत निकालने के आए हैं, आपको निकालने के लिए आपको परम धाम की वाणी दे रहे हैं। और इसीलिए महामति जी की आत्मा कह रही है कि राजी आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मुझे अपनी सारी शोभा दे दी है, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेद तुम्हारे लिए, आज सब सुंदर साथ मुझे आपका ही स्वरूप मानकर मेरी वंदना करता है। लेकिन एक गुण मुझे क्यों विसरे, मोसो हुए सब अखंड, आपने मेरे द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति दिलाई है। फिर भी कितनी हंसी की बात है कि आपके इस गुण को मैंने भी भुला दिया। राजी हर पल हमारे ऊपर कितनी दया कर रहे हैं ये हमको नहीं मालूम। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दमदम जो वर्तत सो सब इसका कका पल पल मेहर करत। राजी हर पल आपके ऊपर मेहर कर रहे हैं। मेहर का अर्थ क्या हुआ? प्रेममयी कृपा, जिसको आप कृपा कहते हैं, प्रेम भरी कृपा। एक तो होती है दया, जैसे जो मैंने अभी आपको दो बार ये बात दोहराई, जो सुंदर साथ कुछ चितवनी करने लगते हैं, राज्य के प्रेम की बातें करने लगते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें राज्य की दया की कोई जरूरत नहीं है। कुछ शब्दों में उनका कहना ठीक ही होता है, जैसे आप अपनी पत्नी को एक साड़ी खरीद कर देते हैं, एक कार खरीद कर कुछ आभूषण दे देते हैं, तो दया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, आपके सारे धन में उसका आधा अधिकार है।
यदि आप कोई भिक्षुक आता है, भूखा है, आप उसको भोजन करा देते हैं तो क्या कहते हैं? अरे भाई दया कर दो, उसको कुछ खाना दे दो। दया दूसरे पर की जाती है। इस व्याख्या से तो आप कह सकते हैं कि राज्य की हमें दया नहीं चाहिए, लेकिन राज्य आपके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। राज्य जिसको दया कर रहे हैं, दया करने का ऐसे क्या, आपकी आत्मा जिस जीव के ऊपर विराजमान होकर माया के खेल को देख रही है, वह जीव जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों का कष्ट भोग रहा था। वह जीव नहीं जानता था कि अक्षरातीत है, कौन है। आपकी आत्मा तो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है, इसलिए आपकी आत्मा जिस जीव पर बैठकर खेल को देख रही है, उस जीव को माया के बंधनों से निकालकर परम धाम के अखंड सुख और लीला विहार में जो डुबो रहा है, वो एक प्रकार से दया ही कर रहा है। और आपके ऊपर दया इसलिए कर रहा है कि यदि आपकी आत्मा, जब तक आपका जीव जागृत नहीं होगा, आपका जीव जब तक तृष्णाओं से परे नहीं होगा, जैसे आपने वाणी पढ़ ली, तो वाणी कौन पढ़ रहा है? जीव ही तो वाणी पढ़ रहा है। जीव उस ज्ञान का प्रकाश लेकर जब चितवनी करेगा, विरह में डूबेगा, राज्य को याद करेगा, तब आत्मा को परम धाम की याद आती है, तब आत्मा अपने स्वरूप में जागृत होती है। इसलिए जीव को जगाने के लिए तारतम वाणी का प्रकाश चाहिए, आत्मा को जगाने के लिए वाणी का प्रकाश चाहिए, क्योंकि जब तक जीव नहीं जगेगा, आत्मा को भी अपने प्रीतम के आनंद का, प्रीतम के स्वरूप का, प्रीतम की महिमा का आभास नहीं होगा। यही कारण है कि महामती जी की आत्मा अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की दया के गुण का वर्णन कर रही है, जो सागर में कहा है, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, सरा पिलावत नैन सौ साकी ये सिद्धार। मैंने इस चौपाई की व्याख्या में कई बार कहा है कि दया किस पर करते हैं? जीव सृष्टि पर। दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार, सुख किसके लिए लाए हैं? ईश्वरी सृष्टि के लिए। और इश्क का अनंत भंडार किसके लिए लाए हैं? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। लेकिन यदि हम सूक्ष्म रूप से देखें तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी दया है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की जो सुरता है जीवों के ऊपर बैठकर माया के खेल को देखने में व्यस्त है। और लेकिन राज्य की दया परायपन की दया नहीं है, राज्य की दया उस पर है। दया का तात्पर्य यह है कि कोई अपना भी हो, जैसे आपकी पत्नी, राज्य न करें किसी को ऐसा कष्ट हो, अस्वस्थ है, इतनी अस्वस्थ कि उसको रक्त चाहिए हॉस्पिटल में, आप अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उसको रक्त देते हैं, उसको अपनी किडनी देते हैं, तो किसी न किसी रूप में आपके हृदय में प्रेम की जो धारा बहती है, उसको करुणा कहिए या दया कहिए, शब्द तो वही रहेगा, जो क्रिया है, प्रेम ही तो विवश करता है मनुष्य को अपना सर्वस्व लुटाने के लिए। इसलिए इस संसार की शास्त्रीय भाषा में उसको दया कहते हैं, और ऐसा करने वाले को दया सागर कहते हैं। इसी कारण चौपाई में कहा गया है, दया सिंध सुख सागर, वो आनंद का सागर है, दया का सागर है, और इश्क गंज अपार, और इश्क का अनंत भंडार है। दया सुख और अनंत प्रेम उस प्रीतम के हृदय में वास करते हैं, और उन्हीं के हृदय की अंग रूपा जो आत्मा है, माया के संसार में भटक कर दुखमयी संसार को अपना घर समझ बैठती हैं, तो राज्य उनको जगाने के लिए परमधाम की वाणी लेकर आए हैं। और महामती जी की आत्मा यही कह रही है कि सुहागिनियों पिया दया गुण कैसे को, परमधाम की आत्माओं मैं अक्षरातीत के दया का वर्णन कैसे करूँ, क्योंकि वह दया क्या है? अब गली में दया मिने सागर स्वरूपी खीर। यदि दया की उपमा दूध से दी जाए तो उस दूध रूपी दया में एक बूंद नहीं मिने नीर। उस राज्य की प्रेम रूपी दया में, मैंने प्रेम शब्द कहा, किसी को असहाय निर्बल समझ करके कुछ देना वह दया अलग है, लेकिन किसी को अपना समझ करके, जैसे किसी को किडनी खराब हो गई हो, उसको किडनी स्वस्थ व्यक्ति की न लगाई जाए तो क्या होगा, वो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आपका कोई संज्ञा संबंधी जिसके हृदय में आपके लिए सच्ची भावना है, पूर्ण त्याग है, वो क्या करेगा, अपनी किडनी दे देता है,
तो कलाने के लिए तो वो दुनिया के हिसाब से दया करता है, लेकिन नहीं, अपना तो है तभी तो देता। आपका जिससे विरोध है वो क्यों देगा? आपका पड़ोसी आपको क्यों देगा? यदि अच्छे मधुर संबंध नहीं होंगे तो अपने जीव को जोखिम में डालकर, अपने शरीर जीवन को जोखिम में डालकर कोई भी अपनी किडनी क्यों देना चाहेगा? लेकिन राज्य क्या कहते हैं? वितक में राज्य ने कहा है पाती में कि परमधाम की आत्माओं तुम्हारे सिर पर मैं एक पांव से खड़ा हूं, जहां दुख हुए तुमको तहां आड़ा देव मैं अंग। कलश हिंदुस्तानी में राज्य यही पुकार पुकार के कह रहे हैं, लेकिन राज्य के प्रेम को हम सुंदर साथ पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कलश की यह वाणी सारे रहस्यों से पर्दा उठाती है और कहती है कि यदि दया को एक समुद्र, दूध का समुद्र माना जाए, राज्य के हृदय में कितनी दया है। दया का तात्पर्य माया के दुखों से हमें हटाने की जो भावना है उसको दया कहते हैं। परायपन का भाव यह नहीं है, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हमारे अंदर जो भावना होती है उसको दया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है और माँ उसके रोने की परवाह नहीं करती है, टीवी पर देख रही है, पिक्चर देखने में लगी है, तो कोई दूसरी उसकी सहेली आएगी, क्या कहेगी? तो कितनी निर्दयी हो गई है, तेरा बच्चा रो रहा है, पहले दूध तो पिला। कहती है कि नहीं, मुझे अभी पिक्चर देखनी है। तो ऐसी माँ को क्या कहेंगे? निर्दयी माँ। उसके हृदय में करुणा है। गुरु का उत्तरदायित्व क्या होता है? शिष्य को ज्ञान का प्रकाश देना, और शिष्य विकृत मानसिकता का होता जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? निर्दयी गुरु। लेकिन अक्षरातीत उसी तरह से यदि परम धाम की आत्माओं को मोह सागर से परे नहीं ले जाएं, इसी संसार में बैठे बैठे परम धाम का आभास नहीं कराएं, उनके धाम हृदय में अपनी शोभा को न बसाएं, तो क्या कहा जाएगा? राज्य की दया पर, करुणा पर, प्रेम पर प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए एक शब्द आता है, करने कर्म कछुना रहिया, धनी बड़ी कृपाल, सो बुद्ध जी ये मारिया, जो त्रैलोकी का काल। धनी बड़े कृपाल, कृपालु किसको कहते हैं? जो कृपा करने वाला है। कृपा कौन करेगा? जिसके हृदय में प्रेम होगा। राज्य के हृदय का प्रेम ही जैसे सूर्य का प्रकाश है, अभी देखिए कितना चमक रहा है, तपन हो रही है, इसी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में आता है तो चंद्रमा उसी सूर्य के प्रकाश को लेकर शीतल चांदनी बिखेरता है। रात को चंद्रमा उगेगा, देखिए चंद्रमा के प्रकाश में कितनी शीतलता का अनुभव था। वो प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से आया। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चंद्रमा भी शीतल चांदनी नहीं बिखेर पाएगा। उसी तरह से राज्य के हृदय में गंजानगंज जो अनंत प्रेम का सागर है, वह जब इस संसार में महामती जी के हृदय में आता है, व्यक्त होता है, तो चंद्रमा के समान शीतल चांदनी बिखेरने लगता है। और उसको यदि हम एक समुद्र मान ले तो महामती जी की आत्मा कह रही है, एक बूंद नहीं मिने नीर, उस दूध रूपी दया के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं है। दूध में तो पानी ही होता है, यदि दूध में से सारा पानी निकाल देंगे तो क्या होगा? उस वो तो खोआ बन जाएगा या मावा बन जाएगा। लेकिन जो गाय के थन से जो दूध दुआ जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से पानी होता है, लेकिन उसमें ऊपर से यदि पानी मिला दिया जाता है तो क्या कहते हैं? इस दूध में पानी मिला हुआ है, जबकि दूध में तो पानी स्वाभाविक रूप से मिला होता है। दूध में पानी मिलाने पर उस दूध को शुद्ध नहीं कहा जाता। शुद्ध दूध कौन है? जो थन से निकलता है। उसी तरह से अक्षरातीत के हृदय से परम धाम की आत्माओं के लिए जो करुणा का भाव है, जो भाव है हृदय का प्रेम, इस रूप में पुष्पित हो रहा है कि मैं परम धाम की आत्माओं को माया में भटकने न दूं, उसको इस संसार में कृपा कहेंगे, इस संसार में दया कहेंगे, और उस दया में एक बूंद भी, यदि उसको समुद्र माना जाता है तो एक बूंद भी जल नहीं है, केवल दूध ही दूध है। अर्थात राज्य हर पल हमारे ऊपर दया का सागर लेकर बैठे हैं, कृपा का सागर लेकर बैठे हैं, प्रेम का सागर लेकर बैठे हैं। हमारे लिए राज्य सब कुछ कर सकते हैं, हम राज्य के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। हम राज्य को अपना एक छोटा सा दीप देने को तैयार नहीं है। राज्य के लिए अपना तन मन जरूर आरती में कर देंगे, तन मन जीव निच्छा और किन्नों से महामत चरणों लाग, लेकिन केवल कहने के लिए है। व्यवहार में जिस दिन सुंदर सात राज्य के गुणों को याद कर लेगा, एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़ी आवा।
कोई भी संसार में रहना नहीं चाहेगा। हमारे संसार से मोह क्यों है? क्योंकि हम संसार में अनंत काल तक रहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शरीर छोड़ जाइए, लेकिन 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटा में कोई कितने सुंदर साथ होंगे जो 2 घंटा 1 घंटा चितवने के लिए निकालते होंगे, वाणी चिंतन के लिए निकालते होंगे। सबका कहना होता है कि काम का बहुत बोझ है, अभी समय नहीं मिल पाता, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी उनके पास समय नहीं होता। दिन बीतता जाता है, रात बीतती जाती है, समय का चक्र चलता रहता है, लेकिन मनुष्य यदि अपनी इस भूल को नहीं सुधारेगा तो उसके लिए तो क्षमा हो सकता है, हम सुंदर साथ के लिए कोई भी क्षमा नहीं है। कलश हिंदुस्तानी का यह प्रकरण जिसमें अक्षरातीत की दया का वर्णन किया गया है, यदि हम उसको आत्मसात कर लें तो मैं समझता हूँ कोई भी सुंदर साथ ऐसा नहीं रहेगा जो राज्य की चितवनी में अपने को पीछा करना चाहे। मैं आशा करता हूँ सुंदर साथ कलश के इस 21वें प्रकरण की पहली चौपाई को अपने हृदय में दूसरे बसा ले तो शायद जीवन धन्य हो जाए। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।